Good morning, my smart learners. How are you all? Fine. Excellent. Beta, first of all, let's start the prayer. So, join your hands and start the prayer. Again, we will do lesson 15 time. So, open lesson 15 time. First of all, we will do exercise 5 given on page number 131. So, open page number 131. We will do question 2, question 3 and question 4. Beta, this is your second question. Read this question with me. A train takes 2 days, 3 hours to reach Hyderabad. ट्रेन बेटा 2 डेज 3 आवर्स लेती है हैदराबाद तक पहुंचने के लिए. ओके, हाउ मच टाइम डज इट टेक इन आवर्स? आपको बताना है वो कितना टाइम लेती है आवर्स में हैदराबाद तक पहुंचने के लिए. आपको आवर्स में फाइंड आउट करना है. यहाँ पर डेज और आवर्स है ना, आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, कितने डेज और आवर्स है? 2 डेज 3 आवर्स. तो फर्स्ट स्टेप क्या कर दिया, 2 डेज प्लस 3 आवर्स. ओके, अब डेज को आवर्स में चेंज करेंगे ना. नाउ टेल मी, वन डे में कितनी आवर्स होती है? वन डे हैज 24 आवर्स. तो आप 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ना. 2 मल्टीप्लाई 24, डेज की जगह यहां पर क्या लिखेंगे? आवर्स. साथ में 3 आवर्स ऐड करेंगे. ओके, नाउ बेटा 2 24 इज, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ना. 24 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. 2 4 इज 8, 2 2 इज 4, सो 24 2 इज 48. 48 hours plus 3 hours. 48 plus 3 is 51. 51 hours. Okay, so the answer is 51 hours. Is this question clear to you? Okay. Frida, this is your third question. Read this question with me. I stay with my grandparents for 5 days, 12 hours.
grandparents. आपको बताना है कि मैं कितने आज तक अपने grandparents के साथ रही. आपको 5 days, 12 hours को आज में चेंज करना है. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप? 5 days प्लस 12 hours. This is your first step. Second step में आप days को hours में चेंज करेंगे ना? ठीक है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 multiply 24 hours प्लस 12 hours. ओके, नाउ यू विल मल्टीप्लाई 5 विद 24. फाइव फोर साइज 20. यस, नीचे एंड टू कैन. फाइव टू साइज 10. 10 प्लस टू इज 12. यू विल राइट हियर 12. सो 5 मल्टीप्लाई 24 इज 120 hours plus 12 hours. Now you will add 120 and 12. 120 and 12 is 132 hours. Okay, so the answer is 132 hours. I spent 132 hours with my grandparents. Okay? Now, Bitta, we will do question 4. Read this question with me. Rita posted a letter to her cousin. Rita ne apne cousin ko ek letter post kiya. द लेटर रीच्ड हर कज़न आफ्टर 6 days. बेटा वो लेटर उसकी कज़न को 6 days के बाद मिला. हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर द लेटर टू रीच रीटाज कज़न? बेटा कितने आवर्स लगे उस लेटर को रीटा के कज़न तक पहुंचने के लिए? ठीक है, तो आप 6 days को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे ना, है ना? तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यू विल मल्टीप्लाई 6 विद 24 आवर्स. ठीक है, अब आप 24 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे अपनी रफ कॉपी में, तो आंसर क्या आएगा? 144 आवर्स. ओके, नाउ बेटा वी विल डू एक्सरसाइज 6 गिवन ऑन पेज नंबर 132. वी विल डू क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. बेटा दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू मंथ्स. आपको बेटे इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो आप बताइए मुझे 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर हैज 12 मंथ्स. ओके, तो आपको 6 इयर्स के फाइंड आउट करने हैं, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से. 6 मल्टीप्लाई 12 और साथ में क्या लिखेंगे? मंथ्स. 6 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए. 6 12 सा 12 6 सा के इक्वल होता है ना. नाउ टेल मी व्हाट इज 12 6 सा? 12 6 सा इज 72. 72 मंथ्स. 6 इयर्स हैव 72 मंथ्स. ओके, नाउ दिस इज योर बी पार्ट. इन बी पार्ट यू हैव टू कन्वर्ट 9 इयर्स इनटू मंथ्स. तो आप 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना. 9 मल्टीप्लाई 12 और साथ में क्या लिखेंगे? मंथ्स. 9 years have 108.
beta, this is your C part of question 2. In this part, you have to convert 7 years, 6 months into months. So, first step, kya karenge? 7 years plus 6 months. Okay? Second step, mein aap years ko months mein change karenge na? So, 7 ko kis se multiply karenge? You will multiply 7 with 12 months. Okay? And you will add 6 months. Now tell me what is 12 sevens are? 12 sevens are is 84. 84 months plus 6 months. 84 plus 6 is 90. Very good. So the answer will be 90 months. 7 years, 6 months have 90 months. Okay? Now, beta, this is your D part. In D part, you have to convert 10 years, 4 months into months. So, our first step, kya likhenge? 10 years plus 4 months. Okay? Ab next step, mein aap 10 years ko months mein change karenge na? To 10 ko kis se multiply karenge? You will multiply 10 with 12. 10 multiply 12 months. And you will add 4 months. Okay? अब बेटा आप 10 12 जा करेंगे ना तो मालूम है ना 12 1 जा कितना होता है 12 1 जा इज 12 और साथ में 0 लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 120 मंथ्स 120 मंथ्स में आप 4 मंथ्स प्लस करेंगे सो द आंसर विल बी 124 मंथ्स ओके नाउ यू विल डू ई पार्ट योरसेल्फ Okay, beta. Now, beta, this is your third question. In third question, you have to convert years into days. Aapko years ko days mein convert karna hai. Okay? 1 year has 365 days. Aapko yaad rakhna hai 1 year mein 365 days hote hain. Okay? Aur leap year mein kitne days hote hain, bete? 366. Aapko yahan par 365 days ओके ए पार्ट इज 3 इयर्स 3 इयर्स को आपको डेज में कन्वर्ट करना है ओके तो आप क्या करेंगे 3 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में क्या लिखेंगे डेज ओके अब 365 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए 35 साइज 15 5 में आप लिखेंगे m1 36 is 18. 18 plus 1 is 19. You will write here 9 and you will carry 1 here. 33 is 9. 9 plus 1 is 10. 3 years have 1095 days. Okay? Now this is your B part. In B part, you have to convert 8 years into days. So, aap 8 ko kisse multiply karenge beta? 8 ko aap 365 days se multiply karenge. Okay? Kariye multiply 365 ko 8 se. 8 5 za is 40. Yes. You will write here 0 and you will carry 4 here. 8 6 is 48. 48 plus 4 is 52. Yes, you will write 2 here and you will carry 5. 8 3 is 24. 24 plus 5 is 29. 8 years have 2920 days. Okay? Now this is your C part. In C part, you have to convert 1 year 27 days into days. Ab it is two parts hai na. First step mein aap kya karenge? Two parts ke beech mein plus sign dalenge. 1 year plus 27 days.
क्या लिखेंगे डेज एंड यू विल ऐड 27 डेज इन इट. नाउ टेल मी व्हाट इज 1 365 सा 1 को आप 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 ही आ जाएगा ना. 365 डेज बेटा. दिस इज योर डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3. इन दिस पार्ट यू हैव टू कन्वर्ट 4 इयर्स 150 डेज इनटू डेज. तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 इयर्स प्लस 150 डेज. अब बेटा आप इयर्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई 4 विद 365 डेज. ओके एंड यू विल ऐड 150 डेज इन इट. ओके बेटा, अब बेटे आप 4 को 365 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे. आपको मल्टीप्लाई करना आता है ना, आप सब बच्चे अपनी रफ कॉपी में करके देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1460. 4 मल्टीप्लाई 365 इज 1460 और साथ में आप डेज लिखेंगे एंड यू विल ऐड 150 डेज. 1460 प्लस 150 क्या आएगा आंसर, 1610 डेज. 4 इयर्स 150 डेज है 1610 डेज. ओके नाउ बेटा दिस इज योर ई पार्ट. इन ई पार्ट यू हैव टू कन्वर्ट 9 इयर्स 200 डेज इनटू डेज. फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, 9 इयर्स प्लस 200 डेज. अब बेटे आप 9 इयर्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई 9 विद 365 डेज एंड यू विल ऐड 200 डेज. चलिए अब आप अपनी रफ कॉपी में 365 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए. ओके तो आपका आंसर क्या आया, 3285 डेज. 365 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3285 डेज और उसमें आप क्या प्लस करेंगे, 200 डेज. 3285 प्लस 200 इज 3485 डेज. ओके बेटा, आई थिंक टुडेज ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे.